أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. سورة البقرة دوسرا پارا چل رہا ہے اور اس میں آیت نمبر 178 اور 179 ہے. अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तुम पर मक्तूलीन में क़िसास फ़र्ज़ किया गया है, लिहाजा आज़ाद आदमी को आज़ाद के बदले में, गुलाम को गुलाम गुलाम के बदले में, औरत को औरत के बदले में कत्ल किया जाएगा। तो जिस आदमी को उसकी भाई की तरफ से कुछ माफ़ कर दिया जाए, फ़त्तबा मिल माऊ, तो फिर वो मुतालबा करे अच्छे तरीके से, वह अदाउन एहसान, और कातिल जो है वो खुश उसलूबी के साथ अदायगी भी कर दे। ये एक तखफीफ है, हल्का कर दिया अल्लाह ताला इस हुक्म को, तुम्हारे रब की तरफ से तखफीफ नहीं है। वह रहमत, बहुत बड़ी रहमत है। फमने अदा बाद अदारी का, सो इसके बाद भी अगर कोई ज्यादती करेगा तो उसके लिए दर्दनाक किस्म का आदाब है। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अल्बाब, अल्लाह फरमाते हैं, ए अकल वालों, तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच सको और परहेजगार बन सको। कल के दर्स में बात आई थी कि इससे पहले बैतुल्लाह की बारे में बात चल रही थी और उसको अल्लाह ताला ने यहाँ उस बहस को ख़त्म फरमा कर आगे अबवाबुल बिर, नेकी के अहकाम अल्लाह ताला ने बयान फरमाए और ये आखिर तक चल रही है। आज की जो आयत है इसमें अल्लाह ताला फरमाए क़िसास के बारे में अल्लाह ताला ने तीन हुक्म बयान फरमाए हैं और फिर आखिर में क़िसास की एक बहुत बड़ी हिकमत और मसलहत को अल्लाह ने बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल, तुम्हारे ऊपर मक्तूलीन में क़िसास को फ़र्ज़ कर दिया गया है। यानी अगर किसी आदमी को नाजायज़ तरीके से बेगुनाह किसी आदमी को कत्ल कर दिया जाए तो अब इस मक्तूल का क़िसास लेना ये कातिल के वरसा के लिए जायज़ है, उनके ज़िम्मे है। ये असल तो हक है कि मक्तूल के वरसा क़िसास लें, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने जो अंदाज इख्तियार फरमाया है वो फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सारे ईमान वालों को फरमाया जा रहा है, मुसलमान बरादरी को, मुसलमान माशरे को कहा जा रहा है कि अगर किसी आदमी को किसी जगह नाहक कत्ल कर दिया जाए तो फिर क्योंकि उस आदमी ने एक आदमी को कत्ल करके पूरे इस्लामी माशरे की हुरमत को पामाल किया है, क्योंकि उसने कत्ल का दरवाज़ा खोल दिया है, लिहाजा इस इंसानी हुरमत को पामाल किया है। अब पूरी इस्लामी बरादरी और माशरे के ज़िम्मे है कि उस कातिल को तलाश किया जाए और फिर मक्तूलीन जो है उससे क़िसास ले लें। ये अल्लाह ताला ने हुक्म बयान कर दिया क़िसास का। अब ये क़िसास का हुक्म जो तरीका था ये इस्लाम से पहले के माशरों में भी था, अहले किताब में भी था, यहूदियों ईसाइयों में भी था, मुशरिकीन मक्का में भी था, लेकिन उसके लिए उनका यानी अदल और इंसाफ नहीं था, मुसावात नहीं थी और वो इसमें ज्यादती करते थे। चुनाचे तफसीरों में लिखा है कि इस्लाम से पहले जो है मदीना के कुछ कबाइल ऐसे थे जिनके आपस में जंगें और लड़ाइयाँ रहती थी और जानबैन से दोनों तरफ से कत्ल हुए थे, औरतें भी कत्ल हुई, मर्द भी कत्ल हुए, गुलाम भी आज़ाद भी कत्ल हुए। अभी तक उन्होंने आपस में कोई क़िसास के मामला नहीं हुए थे कि इस्लाम आ गया वहाँ मदीना में, जब इस्लाम आया तो वो भी मुसलमान हो गए। अब जब मुसलमान हुए तो फिर उन्होंने क़िसास एक दूसरे से लेना चाहा, लेकिन उनमें तरीका ये था कि एक कबीला जो था वो ताकतवर था, दूसरा थोड़ा कमज़ोर था। जो ताकतवर थे उनका तरीका ये था कि हमें अगर कोई बड़ा आदमी कत्ल हुआ है
तो हम उसके बदले में सिर्फ कातिल को कत्ल नहीं करेंगे बल्कि उसी के मर्तबे के आदमी को कत्ल करेंगे। ये ज्यादती करते थे और ये कहते थे कि अगर हमारा कोई गुलाम कत्ल हुआ है तो असल में तो किसास उसी से लेना चाहिए जिसने कत्ल किया है। वो कहते थे हमारा गुलाम कत्ल हुआ है तो हम ये नहीं देखेंगे कि इसको कत्ल किसने किया है, चाहे गुलाम ने भी कत्ल किया हो हम इसके बदले में तुम्हारा आज़ाद आदमी कत्ल करेंगे। अगर हमारा कोई बड़े मर्तबे का आदमी मकतूल हो गया है तो हम इसके बदले में सिर्फ कातिल को कत्ल नहीं करेंगे, इसके बदले में दर्जनों आदमी कत्ल करेंगे, तब इसकी बराबरी होगी। तो ये ज्यादती होती थी। तो जब इस्लाम आ गया तो इस्लाम ने इस ज्यादती को ख़त्म फरमा दिया और दूसरा हुक्म ये दे दिया। पहला हुक्म तो ये हो गया कि किसास देना है, किसास देना है। दूसरा हुक्म ये हो गया कि किसास में मुसावात होगी, बराबरी होगी। असल जो है वो कातिल है उसी को कत्ल किया जाएगा, अगर वो आज़ाद है और उसने किसी आज़ाद ही मर्द को कत्ल किया तो फिर भी इसको कत्ल किया जाएगा, और अगर ये कातिल आज़ाद है और उसने किसी गुलाम को कत्ल किया है, गुलाम आजकल के ज़माने में है ही नहीं है, पहले ज़माने में होते थे, तो इसने अगर किसी गुलाम को कत्ल किया है और ये खुद कातिल आज़ाद है तो इसको किसास में कत्ल किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि इसने गुलाम को कत्ल किया, लिहाजा इसको किसी गुलाम को कत्ल कर दिया जाए, ऐसा नहीं। अगर किसी औरत ने किसी दूसरी औरत को कत्ल किया है तो औरत को किसास में कत्ल किया जाएगा, और अगर जो है औरत ने मर्द को कत्ल कर दिया है तो फिर भी औरत ही को किसास में कत्ल किया जाएगा। अब ये नहीं देखा जाएगा कि ये औरत को छोड़ दिया जाए। तो दूसरा हुक्म ये हो गया मुसावात का, और इसमें उसूल और ज़ाब्ता ये निकला कि असल कत्ल जो किया जाएगा किसास में वो कातिल को कत्ल किया जाएगा, और एक के बदले में एक ही मकतूल होगा, एक के बदले में एक से ज्यादा को कत्ल करना ये जुल्म और ज्यादती है। तो ये दूसरा हुक्म है। तीसरा हुक्म ये है कि जिसको अल्लाह ताला ने असीयत के अरमान से बयान फरमाया है कि अगर मकतूल के वरासा में से कोई आदमी जो है इस कातिल को कुछ माफ कर दे, यानी किसास माफ कर दे कि चलो हम हमारा आदमी तो कत्ल हो गया है, हमारा घर तो उजड़ गया है, लिहाजा हम नहीं चाहते कि इनका घर भी इसी तरह उजड़ जाए, वो अगर उसको माफ़ कर देता है तो उसके लिए फरमाया फत्तबाउ बिल मारूफ। अब अगला तरीका ये है कि फिर वो मुतालबा करे, यानी खुश उसलूबी के साथ दियत का मुतालबा कर सकता है। दियत का मुतालबा भी करेंगे तो मुतालबा भी अच्छे तरीके से होगा, व अदाउ इलैहि एहसान, और कातिल के वरसा या कातिल जो है दियत को अदा करेगा तो वो भी खुश उसलूबी के साथ अदा करेगा। यानी एक दफ़ा तो झगड़ा हो गया, वो कत्ल हो गया, एक नुकसान हो गया, अब अल्लाह जल्ला जलाल आगे फरमा रहे हैं मजीद नुकसान नहीं होना चाहिए। मजीद जब एक मकतूल के वरसा में से किसी आदमी ने किसास को माफ़ कर दिया है, अच्छा उसमें एक ये भी बात समझ लें कि किसास जो है ये मकतूल के वरसा का हक है और उन्हीं में से कोई माफ़ कर सकता है। अगर वो माफ़ नहीं करना चाहते और वो ये कहते हैं कि हमारे मकतूल के बदले में कातिल से किसास ही लिया जाए तो फिर कोई अदालत नहीं माफ़ कर सकती, और कोई किसी मुल्क का वजीर नहीं माफ़ कर सकता, किसी मुल्क का सदर भी माफ़ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ जो कानून है कि फिर अदालत में जाते हैं और सारी अदालतें अगर किसास का भी और फांसी का भी आर्डर दे दें तो फिर ऊपर जाके सदर से जो है अपील की जाती है और सदर बालकर माफ़ कर देता है, तो ये जायज़ नहीं है, सदर माफ़ नहीं कर सकता, ये इस्लामी हुक्म है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर वो माफ़ कर दें, यानी किसास से तो उन्होंने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली लेकिन दियत लेने पर राजी हो गए, तो अब दियत का मुतालबा करने का तरीका भी बता दिया, फत्तबाउ बिल मारूफ। अब मुतालबा करना है दियत का तो वो भी खुश उसलूबी के साथ करो, अच्छे अंदाज से करो, उसको कातिल को अब तंग ना करो, और उस पर यानी धमकियाँ देना, धौंस और इसी तरह जो है उसके पीछे पड़े रहना ये मुनासिब नहीं है। और कातिल को कहा जा रहा है कि अदाउ इलैहि एहसान, तुमने एक नुकसान तो कर दिया है, अब इनको दियत पर ये राजी हो गया तो दियत में टाल मटोल ना करो और इनको खामखा तंग ना करो, बल्कि अच्छे तरीके से उसलूबी के साथ दियत अदा कर दो। तो ये तीसरा हुक्म हो गया दियत का। अच्छा दियत कितनी होगी? तो दियत जो है अगर ऊँटों के साथ अदा करें तो 100 ऊँट जो है दियत में दिए जाते हैं, और अगर दराहिम के साथ है तो 10,000 दिरहम है, और दीनार जो है 1,000 दीनार है, और दिरहम का यानी उसकी कीमत नहीं देखी जाती, वजन देखा जाता है। और रात को मैं देख रहा था कि ये 2,625 तोला चांदी बनती है
एक इंसान के लिए 2625 तोला चांदी, और ये 5-6 महीने पहले मैंने हिसाब लगाया 47 लाख रुपए बनता है एक आदमी की दियत का, तो इतना ले सकता है। बाल का इसमें भी ज्यादा करते हैं, करोड़ों रुपए मांग लेते हैं जी हम इतना लेंगे, या जमीनें जायदादें लिखवा लेते हैं और करोड़ों रुपए की, तो यह भी ज्यादा होती है, जितना शरीयत ने मुकर्रर किया उतना ही होना चाहिए। फिर ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, ये तुम्हारे रब की तरफ से एक तख़फ़ीफ हो गई है, हल्का कर दिया अल्लाह ने, और रहमत भी है बहुत बड़ी। असल तो यह था कि सास में कत्ल किया जाता है इसको, इसने घर उजाड़ा तो इसका घर भी उजाड़ना चाहिए था, लेकिन अल्लाह की तरफ से आसानी हो गई कि अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि चलो माफ़ किया है एक ने, तो अब इसके बदले में दियत दे दी जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई ज्यादती करेगा, दियत का फैसला हो गया, आपस में सुलह हो गई, उसके बाद भी मकतूल के वरसा दियत देने पर तैयार है और दूसरे लेने पर तैयार है, कातिल वाले दियत देने पर तैयार है, दियत भी ले ली है मकतूल के वरसा, उसके बाद भी अगर दिल में बात रखेंगे और दुश्मनी पालेंगे और उस कातिल के कत्ल की कोशिश करेंगे, तो फिर फरमाया कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है और ऐसा करने वाले के लिए दुनिया और आखिरत में आज़ाब अलीम दर्दनाक किस्म का आज़ाब होगा। अब दिलों को भी साफ करना चाहिए और आइंदा के रसूल और आतिशी के साथ मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। अब अगली जो बात है, वो अल्लाह ताला ने अगली आयत में हिकमत बयान कर दी है, किस तरह फरमाया कि वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अल्बाब, कि ऐ अकल वालों के सांस के अंदर तुम्हारे लिए जिंदगी लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम आइंदा के लिए इससे बच सको। अब हमें तो ये नजर आ रहा है कि क़िसास दिया जा रहा, एक आदमी ने कत्ल करके एक घर उजाड़ दिया, अब क़िसास में दूसरे को कत्ल किया जाए तो उसका घर भी उजड़ेगा, तो हमें तो ये नजर आ रहा है कि एक आदमी कत्ल हो गया उसके बदले में दूसरा भी कत्ल हो गया। अल्लाह फरमा रहे हैं ऐसा नहीं है, देखने में तो तुम्हें ये नजर आ रहा है कि वो कत्ल हो रहा है, लेकिन इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है, हयात है इसके लिए इसमें, इसलिए कि अगर इस कातिल को छोड़ दिया जाएगा, जैसे आज हमारे यहाँ कानून कोई नहीं है, तो कातिल को जब छोड़ दिया जाएगा तो उससे एक तो उसकी हौसला अफजाई होगी, एक को कत्ल किया है आइंदा दूसरों को करेगा, तीसरे को करेगा, चौथे को करेगा, दंदराता फिरेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो एक तो उसकी हौसला अफजाई होगी और माशरा और खराब होगा। दूसरा ये होगा कि अगर कातिल से क़िसास नहीं लिया गया और इसका कानून भी कोई नहीं है, तो मकतूल के जो वरसा है वो देखेंगे कि हमें तो कानूनी चाराजोई का कोई जरिया नहीं है और हमें तो इंसाफ नहीं मिल सकता, तो फिर वो क्या करेंगे, खुद हथियार उठा लेंगे, वो कातिल को भी कत्ल करेंगे, वो ना मिला तो उसी घर का जो बंदा मिलेगा उसको कत्ल करेंगे, फिर वो जो आदमी उनको कत्ल करेंगे, तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, कत्ल कितार और ज्यादा होगा। इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे लिए क़िसास में जिंदगी है, और यहाँ पर ऐ अकल वालों, यानी अकल का अगर तुम सही तरह से इस्तेमाल करो तो फिर इसी में जिंदगी है, क़िसास लेने में ही जिंदगी है। जाहिर है कि जब एक आदमी को क़िसास में कत्ल कर दिया जाएगा और इसका कानून होगा, इंसाफ होगा, तो जब एक कत्ल होगा क़िसास में, तो कोई दूसरा फिर आइंदा के लिए हिम्मत नहीं करेगा कि मैं भी किसी को कत्ल करूँ, उसको पता होगा कि नतीजा इसके ये निकलेगा कि मैं भी जाऊँगा फिर, और जब कानून नहीं होगा तो फिर जो है वो बदनामी होगी और एक के बदले में एक और कई कत्ल होंगे। इसलिए इस वक्त जो आम तौर पर ये यानी एक आवाज़ चल रही है कि क़िसास का कानून ख़त्म होना चाहिए और कैपिटल पनिशमेंट जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, क़िसास के बदले में किसी को कत्ल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक घर उजड़े तो दूसरा भी उजड़ेगा, ये खुद अकल के तकाज़े के ख़िलाफ़ है। अल्लाह फरमा रहे इसी में ज़िंदगी है, क़िसास में ही ज़िंदगी है, अगर इसको ख़त्म करोगे तो अदाती तौर पर सरकारी तौर पर अगर कोई कानून नहीं होगा क़िसास का, तो फिर हर आदमी खुद हथियार उठाएगा और वो एक के बदले में कईयों को कत्ल किए करेगा, जैसे कि हमारे यहाँ है अलग ग़ैर के अंदर जो कवाल है उनमें यही होता है कि एक के बदले में कई कत्ल होते हैं, फिर वहाँ से वहाँ छोड़ के और फिर इस्लामाबाद में दूसरी जगह में उनको आगे रहना पड़ता है। इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि इसी में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। अच्छा, एक बात और समझ लें कि क़िसास के अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है क़िसास, तो क़िसास लेने का इख्तियार जो है वो मकतूल के वरसा को है, लेकिन ये उस सूरत में है कि साथ वो हुकूमत के ज़रिए से क़िसास ले, सुल्तान इस्लामी हुकूमत हो और हुकूमत के ज़रिए से कानूनी कार्रवाई करके फिर वो बदला ले सकते हैं, हर आदमी उठ के ख़ुद क़िसास नहीं ले सकता। किसी का एक कत्ल हो गया
और वो कहे जी मैं बगैर अदालत के बगैर हुकूमत के खुद कत्ल करूंगा, तो इसकी इजाज़त शरीयत ने नहीं दी हुई कि हर आदमी उठ के खुद कत्ल करे। इसलिए कि कत्ल की बहुत सी किस्में हैं, बाद में किसास होता है, बाद जगह किसास होता ही नहीं है, वहाँ कत्ल खता होता है और उसमें फिर और अहकाम होते हैं। इसलिए इसका फैसला करना कि ये कत्ल आमद है और इसमें किसास होगा, ये हर आदमी खुद फैसला नहीं कर सकता, इसलिए हर आदमी खुद उठ के किसास भी नहीं ले सकता, इससे नुकसान होगा। तो बहरहाल इसमें किसास के बारे में तीन हुक्म हो गए और आखिर में अल्लाह ताला ने एक हिकमत इसकी बयान कर दी। अल्लाह ताला मुझे आप तो अमल की तौफीक नसीब हो।